जैसा कि आप लोगों को पता है कि घर में बेटा हुआ है भाई के, तो खुशी का माहौल छाया हुआ है। जब भी इस तरह से कुछ होता है या कोई भी शादी ब्याह होता है, कोई भी त्यौहार होता है, तो कुछ रीति रिवाज होते हैं हमारे भारतीय सभ्यता में, हमारे इंडियन कल्चर में, जिसे हम फॉलो करते हैं। तो जब डिलीवरी हो जाती है ना, तो उसके बाद में बेटा हो या बेटी हो, जो भी होता है ना, तो उसके बाद कुछ रिचुअल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। तो बस उसी के लिए बेबी घर आ चुका है, और बेबी के घर आने के बाद में ये मतलब दीक्षा और बच्चा तो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं चरुआ रखाने की, जो कि सासें मिलके रखाती हैं, और 5 लोग, 7 लोग, 9 लोग, मतलब इस तरीके से होता है। अच्छा, जब ना बेटा अगर बहन के बाद में होता है ना, तो जिस बहन के बाद में होता है ना, तो उस बहन की पीठ भी पूजी जाती है। तो जो भी है, आज के इस ब्लॉग में आपको सभी कुछ हमारे भतीजा भतीजी दिखाएंगे। कह नहीं सकते कि हमारी बुआ नहीं थी, नाची नहीं थी। हाँ जिठानी जी, चरुआ रखवाइए। नहीं, सासे लोग रखवाती हैं चरुआ, ये सब सासे हैं। ये एक सास ये बैठी है, एक ये बैठी है, एक ये बैठी है। मोड़ी हाँ, इधर आ बुआ, इधर आ। पूजा करनी है। ओ जी जी बुआ, तुम्हारी धोती बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, नजर न लग जाए तुम्हें किसी की। क्या बुढ़ापा है तुम्हारे, तभी झुलियाँ नहीं पड़ी हैं, बुढ़ापा कहाँ आएगा। और क्या, हंसी खुशी के साथ में सारा मतलब जो भी रीति रिवाज है सब किए जा रहे हैं, और सभी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अति के बाद में भाई हुआ है, तो मतलब अति की पीठ पे भाई हुआ है ना, तो अति की पीठ पूजी जा रही है। तो अति को बैठा दिया गया है, घी गुड़ से घी पीठ पूजी जाती है। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, और मुझे लगा शायद मैंने वीडियो भी कैप्चर नहीं किया हुआ है, लेकिन जब एडिटिंग करने बैठी ना, जब सुना, तो मैंने कहा मुझे ना बैक साइड से बनाना चाहिए था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं लगी हुई थी मजाक करने में, बातें करने में। लेकिन हाँ, ये जो कल्चर है ना, ये मेरा कैप्चर हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। ये है गोबर, गाय का शुद्ध गोबर की भैंस का, गाय का है। ये इस गोबर से आद्या का फेसियल होगा। का हम कब आ रहे कह रहे हैं एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, तब तक नाच नाच के थक गए, नाचो हमने निचावा। जब खर्चा कर, जब खर्चा करियो तब मिली। बुआ पहले खर्चा तो करे। हाँ, बाद में देगी वो। हाँ, चाहिए बिचारी बहुत ज्यादा। ले आना टंकी। लड्डू रखे हैं, लड्डू उठा लो। पहले ले आओ, पता से डरन का कुछ ना। चलो तो ना, बुआ नौटंकी ले आई। हाँ सही है, कर ले। हमको कुछ चाहिए था तो करिए, खा जाको तो आप आ जाओ। अरे ठीक है यार, अरे तो कोई बात नहीं, आओ ना। अगर माँ है तो जरूरी है कि बैठ जाए। ये नीलू की बहू है, ये सीलू भैया की बहू है। ये चाचा की बहू है, ये पंडित चाचा की बहू है। देखो गोल्डी गाती है, रिंकन दीदी खूब बना बना के भेजती है, खूब देखा था राधु देखती है। यहाँ से पेपर उठा दो जरा, पेपर पेपर तस्सू अंदर है क्या बेटू, वापस के तो देख रहे। पेपर कहाँ है बुआ, वहाँ पेपर रखा है क्या, देखो नहीं। हाँ ठीक, तस्सू आओ, आ तस्सू आओ, चलो पापा कहाँ जाइए, कहाँ जाइए। अच्छा ससुराल क्या रहा था। भगवान जल्दी फिर पूजा कर रहे हैं, करके पहले लाइन बनाओ। हमको भी करना है क्या, मेरे बदले नया कर दो। पहले लाइन बनाओ, खिलाड़ियाँ बनाए।
लारियां बने नेहा तुम कर दो मेरे बदले नहीं हाथ लगाओ दीदी साथ लगाओ हम हाथ लगा दे ला अब क्या करें हम अब बनाओ लारिया हम ढोलक बजा ले रहे लगाओ तुम्हें अब पता चला अच्छा इसे जो भी खुशी थी ना थोड़ी बात अरे गा रही कि नहीं गा रही नहीं गाओ हम ना ले कहाँ जा रहे अभी नहीं हुए अभी नहीं हुए नहीं तो झाड़ू नहीं लगी है अच्छा तो यहाँ पर देखिए गोबर की हेल्प से चरुए में इस तरह से ये जो डिज़ाइन रहती है ना इसको बनाया जाता है फिर इसी में जो जौ होती है ना उसको चिपकाया जाता है लगाया जाता है और ये जो चरुए का जो ढक्कन होता है ना इसको भी इसी तरह से तैयार किया जाएगा तो सभी लोग मिलके ये सारे रीति रिवाज कर रहे हैं ना बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही खुशी भी हो रही है क्योंकि मैंने ना बचपन में एक बार देखा था अपनी बुआ को ऐसे करते हुए फिर उसके बाद से मैंने कभी इस तरह से ये सब चीज़ें नहीं देखी लेकिन आज फाइनली मैं अपने भतीजे के होने पे ये सारी चीज़ें देख रही हूँ कर रही हूँ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और जब आद्या हुई थी ना तो तब मैं नेहा के ही पास बनी रही थी तो मैंने इस कल्चर को देखा ही नहीं था और तस्सु के में भी मैं छठी में एंड टाइम पे बिल्कुल आई थी अथी के में नहीं आ पाई थी इस वजह से मैंने ये सब चीज़ें देखी ही नहीं थी मम्मी मम्मी कह दो आओ चरुआ वो करना है बुला लो पानी डाल रहा चरुआ पहले बहू रानी निकाल कुछ पानी सुना तुम्हारी बारी पीपल पिसारे में आएगी तब तुम निपटी हो हमारी काजल लगाई में आएगी तब हम निपटी हुए गोपाल आओ गोपाल गोपाल चलो गोपाल पहले पूछ आया
मम्मी ना लगता हार हाथ में पकड़ा मम्मी के हाँ सही बात है। गोपाल को दीक्षा नहीं देगी ना, गोपाल की सास देगी नहीं गोपाल को। अब ले जा ला रहे ला रहे। तो देखिए चरुआ हमारा बनकर हो गया है तैयार, और अब मेरी मम्मी चरुए को रखेंगी चूल्हे के ऊपर ताकि इसका जो पानी है अच्छे से पक जाए। और इसमें अजवाइन और मेथी एक कपड़े में बांध कर रखा जाता है, और जो भी रखा जाता है वो मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं था कि मम्मी ने क्या क्या रखा है। हाँ मुझे अजवाइन मेथी का तो पक्का पता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ किस तरीके से होता है। अब सब काम है तो ढोलक तो ज़रूर बजेगी। ला ढोलक निकालो। ये पंखा किसी ने दीवा किया कि इतना ही चल रहा है? नहीं। बैठो आंटी, नेहा आंटी बैठो, आंटी बैठो, लड्डू ले चाची बजाओ, बजाओ पंडित जी की बहू, पंडित चाचा की चाची, हमारे तो चाचा है तो भाई चाची भाई। यार इन लोग के हाथ में बड़े दम होते हैं। मजीरा मम्मी से पूछ रहे, मम्मी मजीरा है, दादी दादी डांटेंगी। छोटी वाली ढोलक अंदर है। अरे रो रही क्यों हर्षिता, हर्षिता रो रही है। ढोलक मास्टर आ गई। चाची हमों को सिखा दिया हो? चरुए रखाई रसम का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत अच्छे ब्लॉग्स आएंगे।